गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई कैसे हो सब लोग? यार उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं हो यार बहुत जल्दी बढ़िया हो जाओगे। भाई ये वाला वीडियो भी मुझे कल वाले वीडियो की तरह सडनली ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ अभी अभी मुझे पता चला कि एक अपडेट आया हैकर्स के बारे में जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो भाई आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो पता नहीं, ये कन्फर्म नहीं है लेकिन इसके बारे में उड़ती उड़ती अफवाह आ रही है, लेकिन अगर ये भाई होगा ना तो अभी तक का भाई पबजी का सबसे बेस्ट अपडेट होगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं यार, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि न्यू केडी का सिस्टम आया, मतलब केडी वाला सिस्टम आया हुआ है न्यू, कि कैसे अब आपकी केडी बढ़ेगी और पहले क्या था और अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, और एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आपको इजी लॉबी कैसे मिल सकती है, पर वो तो अब देख सकते हो आप, आई बटन पे लिंक है दोनों वीडियोस का, तो जाके देख सकते हो अगर देखी नहीं है तो। बाकी जो कॉन्करर की वीडियो होने वाली है उसके लिए मैंने एक पोल डाला है अपनी कम्युनिटी टैब में, ठीक है, तो उसमें वो आपको बताना है कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है। बाकी तो मुझे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मेन जो थी वो मैंने निकाल ली है, अगर अभी भी कोई दिक्कत बचती है तो आप उस कम्युनिटी टैब में जाके पोल में कमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो कल आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आज सीज़न हमारा आ गया हुआ है, तो कल मतलब जितनी जल्दी हो सके मैं वो वीडियो ले आऊँगा। तो यार चलो बात कर लेते हैं इस वीडियो की कि क्या सीन है, हैकर्स के बारे में पबजी ने क्या बोला है। नहीं, मैं पबजी के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अफवाह ऐसी उड़ती उड़ती आ रही है। एक वीडियो क्लिप मैं लास्ट में डालूंगा जिससे कि मुझे ये पता चला है, अब वो पता नहीं सच है या झूठ। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो एंटी चीट सिस्टम अब ऐसे काम करेगा कि मान लो आपकी गेम में कोई हैकर है, ठीक है, और हैकर ने आपको मार दिया है, उस टाइम आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन जब पबजी डिटेक्ट कर लेगा या फिर कुछ आपके पास सपोर्ट का ऑप्शन होगा या फिर रिपोर्ट करके अगर आप कुछ ऐसा होगा, पता नहीं क्या होगा, आपके पास कोई सपोर्ट का ऑप्शन होगा जिसमें से कि आप क्लेम कर सकें कि भाई मुझे हैकर ने मारा है, फिर पबजी चेक करेगा, अगर वो सही निकला तो फिर आपका वो माइनस आपको जो पड़ा है वो वापस आ जाएगा, और आपके जो मैसेज में मेल आता है वहाँ पे आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका माइनस नहीं हुआ है। तो ऐसा करके कुछ आ रहा है ये, तो पता नहीं यार अभी ये सच है या झूठ है, लेकिन अगर ये सच होगा तो भाई इससे बढ़िया अपडेट हो ही नहीं सकता यार कहीं पे। तो अब आप गाइज अगर ऐसा हो गया तो इजीली रैंक पुश कर सकते हो 0.18.10 के अपडेट के बाद, अगर ये एंटी चीट सिस्टम अच्छे से काम करा तो भाई रैंक पुश तो आप आसानी से कर सकते हो, और हैकर से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आपका माइनस नहीं पड़ेगा। तो गाइज़ यार होप करते हैं कि ऐसा ही कुछ हो, पबजी ऐसा एंटी चीट सिस्टम लेके आए जिसमें से कि हमको हैकर से मतलब डील ना करना पड़े, और अगर हैकर मैच में आ भी गया तो यार हमारा माइनस ना हो। जो लोग बेचारे रैंक पुश करते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं रैंक पुश करते टाइम कि यार मुझे रैंक पुश नहीं करना, हैकर आके मार जा रहा है, तो भाई उनके लिए अच्छा सॉल्यूशन होने वाला है। और यार बस यही था इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई है यार वीडियो को लाइक करो, बाकी इसमें सीज़न में देखते हैं, क्राउन के बाद ही हमको हैकर मिलने शुरू होंगे, देखते हैं अगर कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास होगा किसी पैच अपडेट में या फिर पबजी डिटेक्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अब गाइस सीजन 13 के बाद अगर आपको मैच में हैकर या चीटर्स मिलते हैं, गाइस आपका माइनस नहीं होगा, जितना माइनस हुआ होगा वो आपके पास वापस आ जाएगा जैसे ही मैच खत्म होगा, और वो आपके मेल पे नोटिस कर देंगे वो सिस्टम कि आपका माइनस नहीं हुआ है क्योंकि आपको हैकर ने मारा है। भाई मुझे यही चाहिए था, थैंक यू पबजी यार, कम से कम इतना बड़ा बोझ तो इसने कम किया। कमेंट में बताओ गाइस कि आपको ये अपडेट कैसा लगा, मुझे तो भाई बहुत ही सबसे तगड़ा अपडेट यही लगा।